चलो एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल यस नो कुछ तो लिखो ठीक थर्ड क्वेश्चन वो खाली टेन मार्क्स के तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक मिलेगा एट द स्टार्ट ऑफ द वीक एलेक्स कैन चूज सैलेड पिज्जा और सुशी बाबा अच्छा अच्छा खाना का नाम दे दिया लंच टाइम पे सैलड पिज्जा सुशी सब मेरा फेवरेट है ऑन मंडे ऑन मंडे एलेक्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्मली रैंडम चॉइस बट इन द फॉलोइंग डेज मेक्स द चॉइस फॉलोइंग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तो तीन स्टेट है सैलड पिज्जा और सुशी वेयर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट टू द फॉलोइंग Derive probability that Alex has pizza on Monday and salad प्रोबेबिलिटी Wednesday मतलब क्या बोला है टू स्टेप करो इसी लोग बोल रहा था क्या नहीं नहीं थर्ड एंड फोर्थ बाद में मिलेगा डिपेंड्स ऑन द मूड सो तुम लोग लिख लो एक्स वन एक्स वन क्या हो गया अपना इधर मतलब आज कहाँ खड़े हो पिज्जा पे पिज्जा है ना इधर खड़े जी, वन जीरो जीरो मत ले लेना भूल से क्योंकि ये सैलेड है ये पिज्जा है और ये सुशी है अपने को निकालें एक्स अगर इसको एक्स जीरो मानो तो अपने को निकाले एक्स टू पहले तो डिफाइन कर देना की वॉट डू अंडरस्टैंडीरोक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन स्टेट सुशी सैलेड पिज्जा एंड सुशी एट डे जीरो वेर एक्स जीरो इज मंडे एक्स टू इज वेन्सडे वेंसडे कैसे निकालेंगे तुम लोग करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो दो तरीके है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने क्लास में जो दिखाया था या तो हम लोग ये कर सकते हैं पी स्क्वायर कैसे करेंगे एक्स जीरो पी स्क्वेर हाँ एक्स जीरो पी स्क्वेर एंड पीस वॉज दूसरा जो आई थिंक विल बी इजियर टू राइट सिंस यू ऑल आर टाइपिंग प्रोबेबिलिटी कहा उन्हें हम लोग को प्रोबेबिलिटी एक्स टू इज क्या सुशी की सैलेड सैलेड गिवन एक्स जीरो इज पिज्जा तो आज हम लोग अगर पिज्जा है तो कैसे निकाल सकते हैं पिज्जा से सैलड फिर सैलेड से सैलेड में रहने का तो पिज्जा से सैलड क्या होगा जीरो इसमें पॉइंट नहीं आता है जीरो पॉइंट वन पता नहीं क्या है इनटू उससे उसी में रहने का जीरो पॉइंट थ्री प्लस और क्या हो सकते हैं पिज्जा से पिज्जा से पिज्जा में रहने का है जीरो पॉइंट थ्री एंड पिज्जा से जीरो पॉइंट वन प्लस और पिज्जा से सुशी सुशी से सैलड करो ऐसे भी कर सकते हो बट अगर स्ट्रेट अवे ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसके ऊपर का बीच का स्टेप्स दिखाना पड़ेगा दैट प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज इक्वल टू एस गिवन वो मल्टीप्लाई कर करके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना होगा फिर नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो तो या तो ये अप्रोच या तो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अप्रोच एनी विच यू चूज आई फील क्योंकि हमें पूरा लिखना पड़ेगा सो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विल बी इजियर फॉर यू ऑल उसमें आप लोग को पूरा लिखने का जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू राइट दिस इंटू पी स्क्र वेर पी स्क्र सॉल्व कर लो मेट्रिक्स इंटू मेट्रिक्स इक्वल्स टू जो भी आपका फाइनल मेट्रिक्स आ रहा है उसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड बेसिकली आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए ये वाला एलिमेंट चाहिए क्यों चाहिए क्यों टाइम लगेगा तुम लोग एक्सेल यूज करो एक्सेल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है एक्सेल खोलो एक्सेल खोल के टेबल बनाओ क्विकली मैं बता रही हूँ एम मल्ट फंक्शन यूज करते हैं क्विकली एक्सेल खोलो एक्सेल में ये टेबल बनाओ मैं बता रही हूं एक टेबल में टेबल ब, मतलब ऐसे प्रॉपर टेबल बनाने का जरूरत नहीं है पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट फाइव ऐसे फटाफट लिखो थ्री क्रॉस थ्री में फिर एम मल्ट फंक्शन से मैं सिखा रही हूँ कैसे करते हैं एक्सेल खोल के करो टाइप करो एक्सेल पे hmm. करो करो क्या हुआ तुमको डर लगता है क्या हाँ लिखा अब नीचे कोई भी एक सेल में जाना एक काम करो ऐसे ना ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब थ्री क्रॉस थ्री का ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे सिलेक्ट करो एक्सेल में कहीं और सिलेक्ट करो फ्रीक्वेंसी फंक्शन करते थे याद है एक्सेल में फ्रीक्वेंसी फंक्शन हम लोगों ने सीएम वन में अगर किसी ने किया है सिलेक्ट करते थे फिर ऊपर में जाके वहां फंक्शन बॉक्स में लिखते थे फ्रीक्वेंसी सिमिलरली वो थ्री क्रॉस थ्री पहले सिलेक्ट करो किया अब ऊपर जाओ फंक्शन बार में फंक्शन बार में टाइप करो एम मल्ट हा फंक्शन का नाम है एम मल्ट टाइप करो एम मल्ट फंक्शन बार में हाँ, ए वन टू लिखा हुआ एरे वन में सिलेक्ट दिस जहां लिखा है कॉमा देके एरे टू में अगेन सिलेक्ट दिस पी एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके एंटर खाली एंटर नहीं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना आपका पी स्क्वायर आ जाएगा ऑल ऑफ यू देखो आया आंसर वेरीफाई करो जीरो पॉइंट टू मैं पहला वाला रो बता देती हूँ जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट फाइव टू ये वाला है जीरो पॉइंट टू फोर हम लोग को यही चाहिए पिज्जा से सैलड जाने का स्टेट टू से स्टेट आया एम मल्ट अब वापस पी थ्री निकालना होगा पी टू और पी वन ले, ले लेंगे एम मल्ट में अंडरस्टूड कैसे यूज करते हैं तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को वर्ड में ये टेबल कॉपी पेस्ट वापस से ये टेबल उसके बाद इक्वल्स टू जो पी स्क्वायर निकला वो यहाँ पेस्ट कर दो तुम लोगों को थोड़ी इंडिविजुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा गॉट इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइट यस इफ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ पी पहले मैट्रिक्स बना लो कहीं जाओ दूसरे जगह में छह सेल्स, मतलब नाइन सेल्स सिलेक्ट सेल करो फिर ऊपर में फंक्शन बार है फंक्शन बार में लिखो एम मल्ट एरे वन एरे टू सेम होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड आपका आ जाएगा एंड देन टेस्ट सिंपल खत्म कहानी ये नो ये नहीं पता था तुम लोग को oh. किया हमने ठीक है इजी हो गया अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑनसडे को भी सुशी खाएगा, को वो पीजा. ये चीज तो नहीं लिखा इन्होंने, तो क्या करेंगे करेंगे क्या अज्यूम करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था बट यहाँ नहीं लिखा तो हम लोग कंटिन ही समझेंगे तो हम लोग को इधर क्या निकालें प्रोबेबिलिटी एक्स टू इज सैलिड एंड एक्स फोर फोर इज फ्राइडे टू इज वेन्सडे जीरो इज मंडे अगर आप लोग एक्स वन को मंडे लिख रहे हो नो इश्यूज जस्ट डिफाइन इट प्रॉपरली वेन यू डिफाइन एक्स जीरो दिस इज अगेन सैलिड नहीं सुशी है सुशी सुशी गिविन एक्स जीरो कुछ बोला नहीं है तो आई डोंट थिंक हम लोग को लेना चाहिए पर मत लेना ये गिवन गलत हो जाएगा नहीं बोला तीनों में करेंगे ना निकालो बेसिकली इसमें तीन पार्ट आएगा क्या तीन पार्ट है प्रोबेबिलिटी एक्स टू सुशी एक्स फोर सुशी गिव एक्स जीरो पिज्जा प्लस प्रोबेबिलिटी एक्सुशी एक्स फोर सुशी गिव इन एक्सरोज सैलिड एंड गिव इन एक्सरो तीनों के लिए करना है और तीनों का प्रोबेबिलिटीज निकालो निकालो कैसे निकालेंगे ये तुम लोग को वो यूज करना है बेज थ्योरम बेज क्या बोलो हाँ हाँ पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर विल गिव यू पी फोर नहीं तुम P2 दिखा दी अब P4 तुम कैसे दिखाओगी P2 टू इंटू पी टू हाँ वर्ड में भी तुमको ऐसे लिखना है वर्ड में तुम कैसे लिखोगी पी स्क्वेर पी पी आंसर ठीक है अब पी रुको ना ये लिखना है ऐसे ही लिखना है पी फोर पी फोर कैसे लिख सकती हो पी ऐसे लिखी मतलब मैं वर्ड का ही लिख के दिखा रही हूं पी टू पी टू पी फोर पेस्ट नहीं आता पेस्ट करने से स्पेस दो एंटर, एंटर नहीं करना है नहीं तो तुम ऐसे लिखो ना दिस इज इक्वल टू पी इंटू पी वेर पी इज इक्वल टू हाँ ऐसे लिखो पी स्क्वेर वर्ड में पी इंटू पी वेर पी इज वो मेट्रिक्स इसमें भी ऐसे लिखोगी देखो पी स्क्वेर इंटू पी स्क्वेर वे पी स्क्वेयर इज दिस मेट्रिक्स हो गया अब <coughs> मैंने क्या बोला प्रोबेबिलिटी आपको निकालने एक्स टू इज सुशी एंड एंड एक्स फोर इज ऑल्सो सुशी इसमें आपके तीन पार्ट्स आएंगे इट्स लाइक बेस थ्योरम का जो नीचे वाला पार्ट होता है लॉ टोटल वाला सुशी एग्सिरो पहला वाला सैलेड है ना स्टेट वन ए सैलेड टू इक्वल सैलेड प्लस मैं शॉर्ट में लिख रही हूं आप लोग को पूरा पूरा लिखना है सैलेड सुशी प्लस वेर एग्सिरो इज पिज्जा वेर एग्सिरोज सुशी ठीक है ये लिखा तीन प्रोवाबिलिटी अब तुम लोग दिखाओ फॉर द फर्स्ट प्रोबिलिटी कैसे निकालेंगे पहले वाला प्रोबेबिलिटी कैसे दिखा निकालेंगे बताओ प्रोबेबिलिटी कि आपका एक्स जीरो सैलिड है इधर गिवन नहीं होगा एक्स फोर सुशी कॉमा होगा इधर ठीक है नहीं क्या लिया था मैंने इधर सैलेड के लिए करो इसको सॉल्व ये कैसे करेंगे बताओ ये तो इजी है एक्स जीरो इज सैलड इज क्या होगा क्या लेंगे वी विल अज्यूम कि तीनों स्टेट्स में होने का प्रोबेबिलिटी इज वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो आपका ये वाला हो जाएगा वन बाई थ्री इन टू ये वाला कैसे निकालेंगे ये एंड है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई थ्री इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स टू आपका सूची है गिवन इन एक्स जीरो इज सैलिड इन टू Probability X four sushi given X zero is salad क्योंकि and बोला है and नाउ यू ऑल कैन सोल्व दिस ये पहले वाला तो आपका पी टू से आएगा और दूसरा वाला P four से आएगा एक चीज और आई थिंक uh, कर सकते हैं टू मेक इट आई थिंक ये वाला क्यों गलत हो सकता है एक मैंने ध्यान से सुनना हमने बोला है ये क्यों गलत होगा मैं बता रही हूं प्रोबेबिलिटी माइट बी डिफरेंट हम ये आई थिंक पेन तुम लोग को विजिबल नहीं होगा एक बार ध्यान से देखो ये क्यों गलत हो सकता है मंडे को हम लोग सैलेड बोल रहे हैं वेन्सडे को हम लोग बोल रहे हैं सुशी एंड फ्राइडे को हम लोग बोल रहे हैं सुशी अब ये क्यों गलत है ये वाला सही है गिवन x0 एक्स जीरो है एक्स टू सुशी अब हम लोग बोल रहे हैं इन टू गिव इन एक्स जीरो है एफ सुशी तो हो सकता है इस दिन कुछ और हो जाए इस प्रोबेबिलिटी में तो वो रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग को इस प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखना पड़ेगा कि एक्स फोर सुशी है एंड गिवन एक्स टू भी आपका सूशी था गॉट इट तो ये वैसे गलत हो सकता है तो ये हो जाएगा एक्स ये हो जाएगा एक्स एक सेकेंड कहीं डाउट आ रहे तो पूछो टू सुशी। तो हम लोग को ये निकालना है हम लोग का जो पी स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है उसका ये हो गया फर्स्ट वन कॉमा थ्री ये हो गया थ्री कॉमा देख लो कोई डाउट है तो पूछो साइड का कौन सा स्क्रीन विजिबल नहीं हुआ सब विजिबल है कहीं मिसिंग नहीं then, है मैंने कुछ लिखा नहीं होगा साइड वाला नहीं द एंड दिस इज द एंड इफ यू कैन सी द लाइन एवरीथिंग इज विजिबल end, line, end, visible, बोलो नहीं क्योंकि उसमें गिवन है देखो तुम उसमें ये निकाल रहे हो समझना कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट है फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये निकाल रहे हैं खाली प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो पिज्जा ये वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो और बेसिकली दिस पार्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो मंडे यू हैड पिज्जा प्रोबेबिलिटी दैट मंडे यू हैड पिज्जा वेन्सडे यू हैव पिज़्ज़ा so, ये निकाल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो वेन्सडे को भी सुशी खा रहे हैं, फ्राइडे को भी सुशी खा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा कि हम लोगों ने क्या लिखा वेन्सडे को भी सुशी, फ्राइडे को भी सुशी बस गिवन कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे कि सपोज ये वाला चीजों पहले लिखना चाहिए एक्स जीरो पिज्जा एक है एक्स टू सुशी एक्स फोर सुशी एंड एक एक्स जीरो नॉट गिव इन तुम लोग कैसे करते थे लॉ ऑफ टोटल प्रोवाबिलिटी कैसे होता है समेशन ऑफ़ प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी ये करते हो ऊपर जो लिखा है तो बी यहाँ पे है पिज्जा सुशी सैलड तो ये वो कर रहे हैं पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी तुम एक जीरो में सुशी सैलेड में है फिर ये प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री सेम आएगा किया है सोल्यूशन में अच्छा गिवन नहीं है क्या क्वेश्चन में ठीक है रुको को, मेरे मेरे को से हो गया होगा भूल क्वेश्चन रीड करने में अगर वन बाई थ्री है तो मेरे से फिर क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम हुआ है क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एलेक्स हैस पिज्जा ऑन मंडे एंड सैलेड ऑन वेन्सडे वे द अच्छा हम्म करेक्ट सही बोल रहे ऑन मंडे एलेक्स एलेक्सार यूनिफॉर्मली रैंडम चॉइस हम्म करेक्ट ये वाला चीज लिखा हुआ है सो इट्स नॉट गिवन ये वर्ड देख रहे हो क्या लिखा है एंड नहीं तो लिखा हुआ होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एलेक्स हैड सैलेड ऑन वेन्सडे ड पिज्जा ऑन मंडे तो हमारा जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकला वो गलत हो गया हम लोग को यहाँ पे कॉल इन टू पी एक्स जीरो इक्वल टू पिज्जा करना पड़ेगा विच अगेन वील अज्यूम एज वन बाई थ्री करेक्ट क्योंकि ये वर्ड एंड मैंशन है मतलब वॉट दे वॉन्ट टू सी ओवर ह्योर अगेन इज प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो इज पिजा एंड एक्स टू इज सुशी, दिस इज व्हाट दे वांट, व्हिच इज दिस ठीक है? देखो अब करो इसको सॉल्व अब तुम लोग यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर चुका होगा फर्स्ट पार्ट को बस विंटू वन बाई थ्री कर देना क्यू वन बाई थ्री एक बार चेक कर लो और सेकेंड वाला और सेकेंड वाला भी देख लो कैसे कर रहे हैं सेकेंड वाले में भी सेम प्रोसेस है खाली बस यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों ने लिया है कि एक्स टू सुशी तो इसमें भी पी टू ही यूज करना पड़ेगा पी फोर नहीं पी फोर यूज करने से वो गलत हो जाएगा क्यों क्यों गलत होगा क्योंकि हो सकता है कि वेंसडे को वो कुछ और ले ले है हाँ ना आप डायरेक्टली पी फोर निकाल रहे हो इसीलिए पी टू इंटू पी टू करना पड़ेगा मतलब आप सैलेड से सूशी गए फिर सूशी, आ, सूशी से आ, सूशी जा रहे हो दैट शुड बी द प्रोसेस अब मेरे को बहुत ज्यादा सूशी खाने का मन हो रहा है नहीं नहीं क्या छोटी रुको क्वेश्चन फोर बहुत छोटा है कौन बोल दिया बहुत बड़ा है अरे आराम से फोर कितना एट क्वेश्चन ही तो है हाँ कैसे तीन बजे तक पढ़ा है मैं नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या एट है हाँ शांति रखो थोड़ा सा एक मिनट ये करो पहले कंप्लीट करके मेरे को दिखाओ पूछ के आने दो पहले मेरे एक बार बता दो खाली ये यश को तो बहुत टेंशन हो गया कि साइड का स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो रहा यश इतना टेंशन लेके क्या होगा बताओ सब स्क्रीन विजिबल है साइड स्क्रीन फ्रंट स्क्रीन बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हाँ जीरो एट पॉइंट जीरो एट मेरे को सुन रहा है। रुक जाओ भाई इसका आंसर है और इसका क्यों नहीं किया अब करो तो नहीं घर पे नहीं करना है क्या है जीरो एग्जाम में कौन करेगा अभी अगर हैबिट नहीं रहेगा कैलकुलेशन का 0.272 ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार यस लिख दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो कैसे हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे तुम लोग समझा पार्ट 1 में 1/3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एंड बोला है गिवन नहीं बोला एंड मतलब कॉमा गिवन मतलब ऐसे डंडी और इधर भी कुछ नहीं बोला था तो इधर हम लोग तीनों पार्ट अज्यूम करके ऐड करेंगे ठीक है आया आंसर नहीं आया तुम लोग को सिखा दी एम मल्ट फिर भी तुम लोग आंसर नहीं आ रहा है उससे तो दो मिनट में आंसर निकलेगा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने है खाली पहला एक वाला पहला एक प्रोबेबिलिटी लिख दोगे फिर उसको तो कॉपी पेस्ट खाली चेंज करना है सुशी को सैलड सैलड को सुशी ऐसे चेंज करना है खाली मिस कहाँ दिक्कत आएगा बताओ अंडरस्टूड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक लंच ब्रेक अभी कितना हो रहा है अभी हो रहा है वन ट्वेंटी हम लोग मिलेंगे एग्जैक्टली टू ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स का ब्रेक दिया मैंने वील फिनिश एटलीस्ट टू मोर क्वेश्चन टूडे चलो बाय बाय